एक दिवसीय प्रवास पर दुर्ग भिलाई पहुंचे उद्योग आयोग के अध्यक्ष नंद कुमार साय ने मीडिया से चर्चा की। उद्योग आयोग के अध्यक्ष नंद कुमार साय अपने एक दिवसीय प्रवास पर दुर्ग भिलाई पहुंचे, जहां उन्होंने सर्किट हाउस दुर्ग में अधिकारियों से मुलाकात कर औद्योगिक गतिविधियों के बारे में जानने की कोशिश की। इस दौरान उद्योग विभाग के कई अधिकारी व कर्मचारी यहाँ पर शामिल रहे। भिलाई के हथखोज स्थित इंजीनियरिंग पार्क में स्थित एक निजी उद्योग पहुंचे, जहां पर 2 दर्जन से ज्यादा उद्योगपतियों से उन्होंने मुलाकात की। वहीं एक एक कर उद्योगपतियों ने अपनी समस्या राज्य मंत्री को बताई। मंत्री ने भी आश्वासन दिया कि इस तमाम विषयों को जल्द से जल्द सुलझाने की कोशिश की जाएगी। इस आधे घंटे की मुलाकात से उद्योगपतियों में खुशी की लहर दिखाई दी। मीडिया से मुखातिब होते हुए नंद कुमार सार ने अपनी प्रतिक्रिया दी। क्या है इसका CSIDC जिसको कहते हैं औद्योगिक विकास निगम है, और इस विभाग में उद्योग कहाँ कहाँ हैं, कौन कौन से हैं, क्या परिस्थितियों में हैं, ये सारी बातों को देखने की दृष्टि से अलग अलग क्षेत्रों में दौरा चल रहा है। इसी निमित्त आज भी यहाँ भिलाई दुर्ग का दौरा है। अब पता नहीं क्यों किया गया है, मैं ठीक से देखा भी नहीं हूँ, आप ही सुन रहा हूँ। देखेंगे क्या वजह है, क्या है, तभी कुछ बोलना ठीक रहेगा। मणिपुर में लगभग 3 महीने से लगातार हिंसा बढ़ते जा रही है, उसको किस तरह देखते हैं? मैंने इस विषय में एक विषय वस्तु प्रधानमंत्री जी को टैग किया है, उसमें मैंने यही कहा है कि जैसे वहाँ कुकी और नागा जनजातियाँ हैं, बड़ी आबादी है, और एक मैतेई ग्रुप है, वो कुछ मांग अलग रिजर्वेशन वगैरह का कर रहे हैं। मैंने ये कहा कि सबसे पहले वहाँ हिंसा रोक दी जाए, फोर्स लगा कर, कोई हिंसा नहीं करेगा, और बैठ करके उनकी सारी बातों को सुनना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए, और जो विधि सम्मत बातें हैं उसका निर्णय करना चाहिए। यही तरीका है, कोई भी विषय का मैंने निपटारा रणभूमि में नहीं होगा। आप झंझट झगड़ा में लगे रहोगे तो उसका निर्णय नहीं होगा, ये उन्हें बताया भी जाना चाहिए और रोक दिया जाना चाहिए, और बैठ करके जो बातें हैं उसको सुनना चाहिए, और जो विधि में बातें आती हैं, नियम में जिसकी जो बातें हैं उसका निर्णय कर देना, यही उसका तरीका है। विश्व युद्ध का भी समाधान टेबल पर बैठ के हो, इसलिए ये पहले कर देना चाहिए। देखिए मैं कांग्रेस में नया नया आ गया, और पार्टी क्या सोचती है, क्या तय करेगी, उसी हिसाब से हमको चलना पड़ेगा। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।